आप लोगों ने कभी ईसाई नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए ऐसा होता है। अब कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि यहाँ पर कोई ईसाई नहीं है। और एक ही काफी होता है, सवाल आप होता है। एक दूसरे की बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दुख में शिरकत करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, एक दूसरे के लड़ाई में कंधा लगाने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। तो मोदी को और भागवत को क्यों हम गाली दें? कसूर हमारा ही है। और अभी स्टेज में बड़े बड़े लोग बोले, कई मेरे दोस्त हैं और कुछ दोस्त तो बहुत पुराने हैं, 50 साल से तो मैं इन्हीं को जानता हूँ। सभी ये कह रहे हैं कि जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो अहम चीज़ों से मुद्दा हट जाता है, नज़र हट जाती है। आपने लगाया मौजूदा परिस्थितियों में हमारे कर्तव्य और इंग्लिश में कॉर्स आपका दिया और ड्यूटीज इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांस। किसी ईसाई के लिए, किसी मुसलमान के लिए, अगर मैं ठीक कहूँ किसी सिख के लिए, इससे बड़ी ड्यूटी क्या है कि जिंदा रहे, किसी तरीके से इस देश में जिंदा रहे ताकि बाहर वाले कह सकें कि देश सेक्युलर देश है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं। कैसा देश होगा ये जिसमें मुसलमान ना हो? और अक्टूबर आ गया है, 84 की बात आएगी, कैसा देश होगा ये यहाँ पे कोई सरदार ना हो, जब लंदन में ज़्यादा सरदार हो और दिल्ली में कम हो? इसमें ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि मैंने 84 भी देखा है, 92 भी देखा है, 2007 भी देखा है। यहाँ पर कत्लेआम होते नहीं हैं मगर हो चुके हैं, ये हम जानते हैं। और जहाँ पर हो चुके होते हैं, कल 7 तारीख है, 7 अक्टूबर, आप बेटा बड़े काम की बात है, UPSC एग्ज़ाम में आएगी, सुनिए, कल 7 तारीख है, 7 अक्टूबर, कल के दिन गाज़ा की जंग शुरू हुई थी। कल क्या होगा? आज की रात बेरूत में लोगों के लिए, गाज़ा में लोगों के लिए, तेल अवीव में यहूदियों के लिए और बाकी इलाके में, तेहरान में कयामत की रात है। कल कुछ भी हो सकता है, World War III कल छूट सकता है। हिंदुस्तान इज़राइल को हथियार भेज रहा है और उसमें रोक नहीं रहा है बिल्कुल, कहने के बावजूद हम भी उसके घेरे में आ सकते हैं। और परसों अगर हम मर गए तो आज का ये झंडा तो ऐसे रह जाएगा। हिंदुस्तान में गाज़ा के लोगों के लिए जो आवाज़ आनी चाहिए थी, जो आंसू पड़ने चाहिए थे, नहीं पड़े। पार्लियामेंट में नहीं पड़े, पार्लियामेंट के बाहर नहीं पड़े, यूनिवर्सिटीज में नहीं पड़े, पढ़ने चाहिए। दूसरे के दुख में रोना अच्छी बात है, इंसानों की बात है, शरीफ लोगों की बात है, उससे पता लगता है हम कितने पानी में हैं, कितनी तेज़ी से हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है और हमारे बुज़ुर्गों ने दी है, अम्बेडकर साहब की चेयरमैनी हुई, बाकी लोगों की भी शिरकत थी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आधी चीज़ें उसमें से निकाल दी गई, लोग बोलने नहीं मानते, आधी चीज़ें वहाँ पे निकाल दी गई है और बाकी चीज़ें कल निकल जाएंगी। ट्राइबल्स को अपनी ज़मीन का हकूक मणिपुर में लॉ पास करने के बाद कि वहाँ से हट सकता है,
भारत के ट्राइबल्स का आदिवासियों का अपनी जमीन, अपने जंगल, अपने पानी का जो हक है उसके ऊपर कितना बड़ा छापा पड़ रहा है, अपने आदमी का नाम लिया उनकी वजह से पड़ रहा है। ये बहुत खतरे की बात है, उसको हमको लड़ना चाहिए। इस्लामोफोबिया किस हद से फैल रहा है? इस्लामोफोबिया का अर्थ होता है मुसलमानों से नफरत, कुरान से नफरत, अल्लाह से नफरत। कल राज में लाखों कट्टा कहते हैं जिसको भैंस का बच्चा कत्ल हो गया, क्योंकि एक त्यौहार है नेपाल में, 50 कहते 50 लाख, 5 लाख तो काट ही देते होंगे। किसी की आवाज़ नहीं आई कि आप हत्या बंद कर दो, कद्दू काटो, मूली काटो, बाजरा काटो, कोई नहीं बोल रहा है। पाक साफ लोग कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ में आ गया है। नौकरी की बात मैं 3 मुद्दे चल रहा है, नौकरी की बात है कि नौकरी से मुद्दा हट जाता है अगर आप धर्म की बात करें। मुसलमानों पर कैद हो रहा है, ईसाइयों पर कैद हो रहा है, सरदारों पर कैद हो सकता है, उससे आप मुद्दा नौकरियों से हटा लेंगे। नौकरियों में क्या हो रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टेस्ट किया हुआ है। अगर आप एप्लीकेशन देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन और आपका नाम जॉन है या मोहम्मद है, तो लोगों को पता लग जाता है कि ए आप आदमी हैं, औरत नहीं है, बी आप मुसलमान या ईसाई हैं, हिंदू नहीं है, सरदार नहीं है, जैन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, पारसी नहीं है। आपका नाम आपका ईमान है, आपका नाम आपका आईडी कार्ड है, उसके बूते पे आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, टॉस है। आपका क्या विचार है, अगर 100 नौकरी होंगी और आप 15% हैं तो कितनी नौकरी आपको 100 में से मिलेगी? अगर एक भी मिल जाए तो आपको शुक्रिया करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मोहतरमा वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिस कानून के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए एजुकेशन रिजर्व थी कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आप जामिया मिलिया बना सकते हैं, आप एंग्लो अरेबिक स्कूल बना सकते हैं, उस कानून का क्या हुआ? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था आज से 60 साल पहले, उस वक्त इतने ईसाई नहीं थे कि पूरी सीट्स ले पाए, बहुत ही थे, और जो अमीरों का कॉलेज था सारे राजा महाराजा थे। अभी कानून ये है कि किसी ईसाई कॉलेज में या किसी ईसाई स्कूल में 50% सीट्स आपको गैर ईसाइयों के लिए रखनी पड़ेगी, 50 से ज़्यादा नहीं रख सकते। ईसाई कॉलेज में आपको ईसाइयों के लिए सिर्फ 50% सीट से, और यही बाकी जगह हाल है, क्योंकि ये कानून है भारत का, रिजर्वेशन ऐसा अब चलती है एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो और भी क्या है, मैनेजमेंट कमिटीज़ में आपको लोकल VIPs रखनी पड़ेंगे, और मध्य प्रदेश में सारे लोकल VIP 100% RSS के हैं, तो ईसाई कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी में RSS रहेगा। RSS डिसाइड करेगा कौन सा टीचर चाहिए, कौन सा टीचर नहीं चाहिए। RSS वैसे भी कह रहा है कि क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको माँ सरस्वती की स्टैचू लगानी चाहिए। हमको ये देख के चलना है कि भारत जो राष्ट्र है ये संविधान से पहले भी था, संविधान ने उसको कोडिफाई किया एक तरीके से, संविधान से पहले भी था, भाईचारे पर था, लड़ाई झगड़े होते थे, सॉल्व हो जाते थे, भूल जाते थे, उसको हम लोग अंग्रेजी में डायलॉग ऑफ लाइफ कहते हैं। इकट्ठे रहते थे उसी मोहल्ले में, उसी कॉलेज में पढ़ते थे, उसी क्लब में जाते थे, उसी घर का पानी पीते थे, उस डायलॉग ऑफ लाइफ से जो सोहबत बनी थी, जो भाईचारा बना था, अटूट था एक तरीके से, उसको तोड़ने में बहुत लोगों की बहुत ताकत गई है,
अभी भी पूरा तोड़ नहीं पाए हैं, तभी हम लोग यहाँ पे बैठ के हम बात कर सकते हैं। उसको कैसे हम करेंगे?